पर पड़ने वाले गया जिले के डोभी में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही विष्णुपद और बोध गया को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आइए देखें एक रिपोर्ट। जिले के डोभी में औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही विष्णुपद और बोध गया को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुझे बताते बार खुशी हो रही है, ज्ञान और मोक्ष की माँ मंगला गौरी की पावन भूमि गया जी को केंद्र की माननीय मोदी सरकार का मिला विशेष सौगात। काशी विश्वनाथ के तर्ज पर गया जी विष्णुपद मंदिर और माँ बोधि मंदिर बोध गया कॉरिडोर के निर्माण से देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों, भक्तों एवं पर्यटकों के लिए सुविधा का होगा विकास। गया में पितृपक्ष में देश विदेश से यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। गया का जिक्र रामायण काल के ग्रंथों में भी किया गया है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर का विकास होने से यहां आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा होगी। बोधि मंदिर के पास पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था नहीं होने के कारण विदेशी पर्यटकों का ठहराव नहीं होता है। महाबोधि दर्शन के बाद सीधे वाराणसी चले जाते थे, जिससे पर्यटन उद्योग पर असर पड़ता था। कॉरिडोर का निर्माण हो जाने से पर्यटकों की सुविधा के साथ साथ स्थानीय पर्यटन व्यवसाय और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अब इसके साथ साथ गया, बोध गया, राजगीर का जो डेवलपमेंट होगा कॉरिडोर के रूप में, तो उसमें तो रोजगार के बहुत साधन बनेंगे। बोध गया का महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्मों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जहां अमेरिका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, श्रीलंका सहित दर्जनों देशों के बौद्ध श्रद्धालु और बौद्ध भिक्षु यहां आते हैं। बौद्ध धर्मों के लिए यह प्रमुख स्थान है। वहीं विष्णुपद मंदिर हिंदू सनातन धर्मावलंबियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहाँ देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी यहाँ आकर अपने पितरों का उद्धार के लिए पिंडदान तर्क